Okay guys, so today we are doing question number 10, exercise 5.2, chapter is arithmetic progression. Okay, question is the 17th term of AP exceeded its 10th term by 7, find the common difference. ठीक है, AP की जो 17th term है वो 10th term से 7 ज़्यादा है. ठीक है, अगर जो 10th term है वो 10 है तो 17th term क्या होगी, 17 होगी, है ना. तो फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है हमें. ठीक है, सिंपल है, देख लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है. ओके, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी be the A and B, ना? Common difference of given AP. ठीक है, जो भी AP है हमें नहीं मालूम AP क्या है, पर उसका हमने लिखा है कि A इसका फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है. डी हमें फाइंड आउट करना है. जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ हमारे पास इतनी है दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इस टर्म का 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 आता है. ठीक है, तो 17 टर्म क्या होगी, a प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 d प्लस 7. बिकॉज क्यों, an इक्वल क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड डी, है ना. एन इज इक्वल टू nth टर्म क्या होती है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. तो 17 टर्म के लिए एन की वैल्यू 17 होगी और 10 टर्म के लिए 10 होगी. राइट, आगे सॉल्व करते हैं. सो ये आएगा ए प्लस 17 माइनस वन 16 डी इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी प्लस 7. राइट, अब हम क्या करते हैं, ये जो ये वाली टर्म्स है ना 9 और ए एंड डी की, जो उसको ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. दैट विल बी ए प्लस 16 डी प्लस ए प्लस नहीं माइनस हो जाएगा माइनस माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7, है ना. राइट, ट्रांसफर किया ए को और 9 डी को, तो ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा और 16 डी से आप 9 डी माइनस करोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 7 डी इज इक्वल टू 7. सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 अपॉन 7, दैट इज इक्वल टू क्रॉस होगा दैट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 1. यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी इज 1. जो भी कॉमन डिफरेंस है उसके जो भी एपी है अर्थमेटिक प्रोपेगेशन उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1. ठीक है, सीरीज कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6. राइट, अंडरस्टैंड ना. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय.